वेलकम टू द अल्फा टेक एजुकेशन फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या होता है। मेनली क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से यूपीएसआई की भर्ती रुक गई है, नहीं तो यूपीएसआई की भर्ती आनी थी। तो आफ्टर कोरोना वायरस यूपीएसआई की भर्ती आएगी, कुछ 1500-1600 वैकेंसी हैं, तो हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें खोना नहीं है। तो आज हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसका सिलेबस मेनली होता है एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी, क्योंकि लास्ट ईयर तो अभी ऑफलाइन हुआ था। तो जो ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम है या ऑफलाइन जो भी हो सकता है, तो वो 400 मार्क्स का हो सकता है। वैसे ऑनलाइन ही होगा मेरे हिसाब से, तो वो 400 मार्क्स का होगा ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम। तो 400 मार्क्स का होता है तो उसमें क्या क्या आता है। नॉर्मल 40 मार्क्स की हिंदी आती है, जनरल हिंदी 40 मार्क्स का आता है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन विथ जनरल नॉलेज, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का आता है, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी वो 40 मार्क्स की आती है, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट टेस्ट वो 40 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, 160 क्वेश्चन रहते हैं, 40 40 40 40 मार्क्स, 40 40 क्वेश्चन रहते हैं इनके। जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट के 40 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 160 क्वेश्चन रहते हैं और हमें 2 आवर मिलते हैं। तो टोटल हमारे 400 नंबर का पेपर होता है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है 400 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, 4.8 किलोमीटर में दौड़ना होता है 28 मिनट। मेनली क्या होता है कि यूपीएसआई में रेसिंग रेस ही होती है, दौड़ी मेन होती है। तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है। तो इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि अगर दो अगर भर्ती आई तो उसमें क्या होता है कि लेटेस्ट मूल्यवास हो जाती और आए जो भी जिस कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो, एससी ओबीसी, तो उससे क्या होता है तुम्हें अपना मूल्यवास और जाति बनवा के एकदम लेटेस्ट रखनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। तो तुम्हें मूल्यवास और जाति और आय बनवा लेना है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों को नहीं पता रहती है, मेनली मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उसे नहीं पता था कि हर सेक्शन में 50% मार्क्स ज़रूरी होते हैं लाने। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें, इट इज़ मैंडेटरी टू गेन 50% मार्क्स इन एवरी सेक्शन। इफ़ एनी कैंडिडेट गेन 60% इन वन सेक्शन और 40% अदर सेक्शन, देन ही विल नॉट बी कंसिडर एज पास। बिकॉज हमें क्या करना है, हर सेक्शन 50% मिनिमम स्कोर करना है। ये बात काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती और वो अपना अच्छा खासे टैलेंट लोग भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकार से पेपर को सेट करना है, इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी है कि हर सेक्शन में मिनिमम 50% मार्क्स तो हम ले ही आए और हम उससे और हमारा सिलेक्शन रिटर्न हो जाए, हम फिर उसके बाद फिजिकल तो हम निकाल लेंगे। तो क्या हमें क्या क्या पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, मूल विधि, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। तो हम क्या करेंगे, 5623 मई या जून में भर्ती आने वाली है, वो पक्का आने वाली है। तो और ये हमें बहुत ये हमें ये अपॉर्चुनिटी हमें खोना नहीं है और इसकी भर्ती पक्का आएगी मई जून के आसपास ही। तो और हम क्या देख लेते हैं, इसका हमने सिलेबस तो डिस्कस कर लिया है, और हम देख लेते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम में और क्या क्या आता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम में क्या आता है, जनरल हिंदी आती है जो कि 40 मार्क्स की होती है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 40 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स की होती है, और लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 24 क्वेश्चन रहते हैं, और जनरल नॉलेज के 16 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 100 नंबर की आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स की आती है, मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंट टेस्ट रीजनिंग 40 40 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स की आती है। इस प्रकार से 160 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स होता है, 2 आवर होते हैं। तो और हम देख लेते हैं कि इसमें यूपीएसआई हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो इस खंड में आपसे पूछे जाने प्रश्न इस निम्नलिखित टॉपिक से होंगे, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक सर्वज्ञान सर्वनाम विशेषण शब्द क्रिया, हिंदी वर्णमाला, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थ शब्द और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक काल वाच अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरेम लोक्तियाँ रस छंद अलंकार एक शब्द प्रतिस्थापन आदि। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में हिंदी के पास रीडिंग कंपरिजन भी रहता है, एक पैराग्राफ दिया होगा उसके हमें उसको पढ़ के हमें उसके कुछ आंसर दिए रहते हैं। तो काफ़ी लड़के वो टाइम कंज्यूमिंग उनको लगता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे हमें नंबर ही गेन होते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी, हमें वो
वो बहुत जल्दी पढ़ के और उनके पैराग्राफ के जो नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं हमें वो सॉल्व करना है। तो ये होगा हमारा हिंदी सेक्शन। तो हिंदी सेक्शन के बाद हमारा आता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि आईपीसी की जो आईपीसी की धारा वगैरह रहती हैं वो मेनली आती हैं, तो हमें उनको बहुत ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में क्या आता है। तो उसमें क्या है, लॉ में भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, महिला और बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने का संबंधी, विविध प्राकृतिक सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व संबंधी नियमों का सामान्य ज्ञान। तो इनसे हमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं इसका लेक्चर चालू कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे से तुम्हारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी लेक्चर आएंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी लेक्चर आ जाएंगे, उसकी तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप उससे पढ़ सकते हो। तो ये हुआ हमारा। अब इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी हम उसे मैथमेटिक्स भी कहते हैं, मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, जो कि तुम्हारी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स की आती है। तो ज़्यादातर तुमने देखा होगा लड़के कर लेते हैं जीके हिंदी वगैरह के, बट कंपटीशन कहाँ रहता है, कंपटीशन रहा मैथमेटिक्स में। इसकी इसकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स ना एक अच्छे लेवल की आती है, ऐसे नहीं कह सकते जो यूपी पुलिस लेवल की, यूपीएसआई की उसकी अच्छे लेवल की आती है। तो हमें किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर होकर रहना है। तो उसमें देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी क्या आता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, पार्टनरशिप, साझेदारी, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ और मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंपटीशन एंड अदर एंड एनालिटिक फंक्शन लाइक। तो हमें इसकी ज़्यादा भरी होने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, तो लेक्चर हमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो कल से तुम्हें लेक्चर देखने को मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के भी, नंबर सिस्टम पे भी, और तुम्हारा सारी मैथ तुम्हारी कवर करा दी जाएगी। अपने पास अच्छा खासा टाइम है, मई जून के आसपास की वैकेंसी निकलेगी, तब तक हम पूरा सिलेबस हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी हमने देख ली है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं सारा, इसके बाद मेंटल एबिलिटी पे आते हैं। तो मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी में नॉर्मली क्या होता है, लॉजिकल डायग्राम बने रहते हैं। उसमें एक्चुअल में क्या रहता है कि कुछ तुम्हें बता देंगे, कुछ प्रोडक्ट दे देंगे कि ये इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, तो इसका किससे रिलेशन होगा। तुम्हें एक प्रकार से लॉजिकल डायग्राम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और तुम्हारे वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होता है, लेटर एंड नंबर सीरी होती है, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन होता है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट होते हैं, एनालॉगी होती है, और कॉमन सेंस टेस्ट, नॉर्मल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो ज़्यादा भरी करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा बहुत सिंपल। तो हमें क्या करना है यूपी पुलिस के लिए, हमें क्या करना है, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो एक्चुअली में इसके 4 सेक्शन होते हैं, 40-40 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, और 400 मार्क्स रहेगा, और 100 100 मार्क्स के रहेंगे 4 सेक्शन, और 160 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट होंगे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम है, तो हमें बहुत फास्ट रहना है। तो उसमें जनरल हिंदी, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी 40 मार्क्स की, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट 40 मार्क्स का। और उसके बाद होता है हमारा क्या, उसके बाद हमने तुम्हें बताया था, उसके बाद हमारा होता है फिजिकल। तो फिजिकल में हमें बहुत ज़्यादा भरी करने की ज़रूरत नहीं है, उस फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिजिकल होता है और क्वालिफाइंग रहता है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसका लास्ट में मेडिकल होता है, उसका जॉइनिंग होती है। तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयार रहना है। और कल हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम तुम्हारे फरवरी से मार्च का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो आएगी, तो उसको देखना आप लोग ज़रूर ना भूलें। और यूपीएसआई की तैयारी करते रहें, बहुत अच्छी जॉब है। और कल से आपको इसकी हिंदी के लेक्चर और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी देखने मिलेंगे, और हमारा अभी अभिषेक सर के द्वारा हमारा करंट अफेयर्स का डेली जीके का चल ही रहा है, तो आप उसको भी देखते रहें। थोड़ी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बट वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, सो डोंट वरी। और आप कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी जाते हैं, जो कि लेखराज सर उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके भी लेक्चर आने लगेंगे, सो डोंट वरी। और थैंक यू, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।